जी का स्वागत होता है और उन्हें एक अभिवादन पत्र दिया जाता है। इस अभिवादन पत्र का उत्तर स्वामी जी लिख कर देते हैं। मद्रास निवासी मित्रों, देश बंधुओं और सहधर्मियों, मुझे यह जानकर परम संतोष है कि अपने धर्म के प्रति मेरी नगण्य सेवा तुम्हें मान्य हुई है। जिस ईश्वर का संदेश भारत तथा समस्त संसार को पहुंचाने का सम्मान मुझ जैसे तुझ और अयोग्य सेवक को मिला है, उस ईश्वर के प्रति तुम्हारा आदर भाव सचमुच अपूर्व है। यह तुम्हारी जमजात धार्मिक प्रकृति है जिसके कारण तुम उस ईश्वर में और उसके संदेश में धर्म के उस ज्वार तरंग की प्रथम मर्म का अनुभव कर रहे हो, जो निकट भविष्य में सारे भारत पर अपनी संपूर्ण अबाध शक्ति के साथ अवश्य ही फूट पड़ेगी और अपनी अनंत शक्ति संपन्न बाढ़ द्वारा जो कुछ दुर्बल और सदोष है उसको दूर बहा ले जाएगी तथा हिंदू जाति को उठाकर विधि नियोजित उस उच्च आसन पर बिठा देगी जहां उसका पहुंचना निश्चित और अनिवार्य है। वहां भूतकाल की अपेक्षा और भी अधिक वैभवशाली बनेगा। शताब्दियों की नीरव कष्ट सहिष्णुता का उपयुक्त पुरस्कार पाएगा और संसार की समस्त जातियों के मध्य में अपने उद्देश्य आध्यात्मिक प्रकृति संपन्न मानव जाति के विकास को पूर्ण करेगा। अपने धर्म के उसी एक सत्य पर खड़े हो जाओ। वह सत्य है मनुष्य की आत्मा अजन्मा अविनाशी सर्वव्यापी अनंत मानवात्मा, जिसकी महिमा वेद भी नहीं कर सकते। आत्मा की इस अनंत शक्ति का प्रयोग जड़ वस्तु पर होने से भौतिक उन्नति होती है, विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है और अपने पर होने से मनुष्य ईश्वर बन जाता है। पहले हमें ईश्वर बन लेने दो, तत्पश्चात दूसरों को भी ईश्वर बनाने में सहायता देंगे। बनो और बनाओ, बी एंड मेक, यही हमारा मूल मंत्र रहे। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य तो अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह प्राचीन भारत माता पुनः एक बार अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमान्वित होकर विराजी है। सेवा